बदायूं के इस अति सुरक्षित इलाके में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला जज का शव उनके ही आवास में संदिग्ध हालात में मिला। हाई सिक्योरिटी वाले इलाके और महिला जज से जुड़ा मामला होने के चलते प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव इस घटना की जानकारी मिलते ही फूल गए। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ जिला जज पंकज अग्रवाल, SSP आलोक प्रियदर्शी के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 28 वर्षीय ज्योत्सना रॉय सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात थीं। वो मूलतः मऊ जिले की रहने वाली थीं। करीब एक साल पहले वो अपनी दूसरी पोस्टिंग में बदायूं आई थीं और सरकारी आवास में रह रही थीं। घटना को लेकर SSP ने बताया कि महिला जज ज्योत्सना रॉय आज सुबह समय पर कोर्ट नहीं पहुंची थीं। उनके साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने जब उनके घर पर कोई हलचल नहीं देखी और दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को फोन करके सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में उनका शव पाया गया। पुलिस को घटनास्थल से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने भी सबूत सुरक्षित कर लिए हैं। फिलहाल अभी तक इस घटना का खुलासा नहीं हो सका है। देखिए, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30 बजे के आसपास कि थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है वहाँ पे एक महिला जज हैं जिनका दरवाजा वो नहीं खोल रही हैं और वो वक्त से पहुंची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे पहुंच करके फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जा कर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहाँ दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।